स्टार हैं जो आपने बाल कलाकार के रूप में काम किया है, काम किया है। तो ये पहली आपकी फिल्म है, तो इसका क्या अनुभव रहा है? पहली बात यह है कि मैं पहली बार एज अ मेन लीड इसमें काम कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट था, नर्वसनेस था। लेकिन आनंद सर ने मुझे बहुत हेल्प किया, उन्होंने बहुत सारे वर्कशॉप्स लिए, रिहर्सल्स लिए, बहुत टिप्स दिए और उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। मुझे लाइक आई गॉट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, सो आई एम रियली ग्लैड और आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द रिलीज नाउ। तो इस फिल्म के बारे में कुछ बताइएगा, किस जॉनर की है, क्या आपका किरदार है? मैं ये फिल्म जो है वो दो जीनियसेस के बीच में की लड़ाई है, लाइक नवाज सर और उत्कर्ष, और उसमें लव स्टोरी भी है और एक लाइन में मैं बोलूँगी तो दिल की लड़ाई दिमाग से, यही है। उत्कर्ष जी के साथ काम करने का अनुभव कैसा है? बहुत अच्छा रहा एंड वो बहुत अच्छे एक्टर हैं और वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, कोऑपरेटिव हैं और उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की। लाइक हम लोग टेक के बीच में भी हम लोग बहुत रिहर्स करते थे साथ में, तो बहुत अच्छा रहा और मैं लकी हूँ कि लाइक मेरे पहले फिल्म में मुझे उत्कर्ष जैसे एक्टर के साथ काम करने के लिए मिला। नवाज के साथ इतने बड़े नामचीन कलाकार, उनसे कुछ दबाव हुआ आपके परफॉर्मेंस पे या आपको उन्होंने सहा है? नवाज सर की मैं पहले से बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और आई एम रियली ग्लैड कि मेरे पहले फिल्म में मैं नवाज सर के साथ, लाइक मेरे पहली फिल्म में नवाज सर जैसे कैरेक्टर लाइक एक्टर हैं एंड आई एम रियली ग्लैड और मुझे उनसे भी बहुत सीखने के लिए मिला। उन्होंने बहुत हेल्प की और उन्होंने बहुत टिप्स दिए, बहुत कोऑपरेटिव थे लाइक मुझे और उत्कर्ष को, लाइक दोनों को, हम दोनों को बहुत यू नो कोऑपरेट किया और सिंस हम दोनों को स्टार्स हैं लाइक न्यू कमर्स हैं। तो या फिल्म काफ़ी लोकेशंस पे शूट हुई है, तो उसके बारे में बताइए। हम लोग एक्चुअली बहुत कम दिनों में बहुत ट्रैवल किया है, लाइक हम लोग पहले स्केड्यूल में ही मथुरा, देहरादून, मसूरी और दिल्ली में जाके आए, तो बहुत हेक्टिक था। और फिर हम लोग मॉरिशस भी गए, फिर दिल्ली गए, मुंबई में थे, मॉरिशस गए थे, पुणे गए थे, दिल्ली गए थे, इंदौर में भी था शूटिंग। तो स्केड्यूल वैसे बहुत हेक्टिक था लेकिन हम सब लोग इतने क्लोज हो गए थे कि हम लोग फैमिली की तरह ऐसे रोड ट्रिप पे जा रहे हैं वैसे लाइक ट्रैवल करते थे। एंड हम लोग, मुझे याद है कि हम लोग ट्रैवलिंग के टाइम लाइक कार में बैठे बैठे रिहर्सल कर रहे हैं बिकॉज शाम को शूट है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जी की कौन सी फिल्में आपको पसंद है? मुझे ऑफकोर्स उनकी गदर बहुत पसंद है, लाइक मैंने देखी एंड इट्स लाइक अ वेरी पीरियडिकल फिल्म, बहुत अच्छी है, आई लाइक इट। उनसे कुछ सीखने को मिला है? अनिल सर ने मुझे बहुत सिखाया, लाइक आई गॉट अ लॉट ऑफ टिप्स एंड यू नो उन्होंने मुझे कैरेक्टर में कैसे ये होना, लाइक हाउ टू प्ले द कैरेक्टर, गेटिंग द कैरेक्टर बहुत सिखाया। सो आई एम रियली ग्लैड टू वर्क विथ हिम एंड आई लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम एंड जो भी लेसन उन्होंने सिखाया है आई रिमेंबर फॉर माई लाइफ। कितनी अपेक्षाएं आपको फिल्म से? अभी इस तक तो लाइक द रिव्यूज़ आर वेरी ग्रेट एंड यू नो सॉन्ग के लिए, ट्रेलर के लिए लोगों को बहुत पसंद आ रहा है एंड आई होप कि लोगों को मूवी भी उतनी पसंद आए एंड दैट्स व्हाट आई विश। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस। सर आपने बाल कलाकार के तौर पे गदर में काम किया था जी, आज एक बड़े हीरो के तौर पे आप लॉन्च हो रहे हैं जी, तो कैसे आपकी भावनाएं हैं और क्या अपेक्षाएं हैं जीनियस फिल्म से? जी आप बहुत दयालु हैं कि आप मुझे हीरो कह रहे हैं पहली फिल्म से, बट मैं तो अपना कैरेक्टर निभा रहा हूँ एंड जो कैरेक्टर लिखा गया था स्क्रिप्ट में लीड रोल ज़रूर है, बट मैं अपने कैरेक्टर पे ही फोकस हूँ एंड उम्मीद करता हूँ वो कैरेक्टर ऑडियंसिस को पसंद आएगा। किस तरह का किरदार निभा रहे हैं आप फिल्म? जी फिल्म जीनियस में मैं एक मथुरा वृंदावन के लड़के का किरदार निभा रहा हूँ जो 17 से 24 साल की उम्र तक की ज़िंदगी इस फिल्म में उसकी दिखाई गई है, जहाँ पे वो IIT भी टॉप करता है तो रॉ भी ज्वाइन करता है, तो एक इमेच्योरिटी से मेच्योरिटी में उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो वेद भी जानता है तो साइंस भी जानता है एंड बहुत ही रंगीन, इंटरेस्टिंग एंड यूनिक कैरेक्टर है। ट्रेलर से हमने देखा कि फिल्म में काफ़ी एक्शन भी है जी, तो वो करने में आपको कुछ दिक्कतें आई सामने? जी एक्शन करना हमेशा रिस्की तो होता ही है, कोई भी आप छोटी सी छोटी चीज़ भी आपको चोट पहुंचा सकती है, तो हालांकि इस फिल्म में काफ़ी इंजरीज हुई मेरी, बट मुझे बहुत मज़ा आता है खुद के स्टंट करने में एंड खुद को चैलेंज करने में कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, खुद के डर पे काबू पाने में बहुत मज़ा आता है
एंड जैसे कई कई बार 100 फीट की ऊंचाई पे टंगा दिया मुझे, कई बार मतलब नदी में तैरा दिया, बहुत सारे स्टंट्स किए हैं मैंने इस फिल्म में एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया, होपफुली ऑडियंसिस को भी अच्छा लगे। आपके पापा ने फिल्म डायरेक्शन किया तो इससे कुछ आपको दबाव आया आपको? जी एक दबाव तो रहता है कि आपको परफॉर्म करना है, एक परिवार का नाम का बोझ है आपके ऊपर, बट मैंने कभी ये उसको इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी। मैं तो पब्लिक का प्रेशर ज़्यादा भारी मानता हूँ, उनको फिल्म अच्छी लगनी चाहिए, उनको फिल्म एंटरटेनिंग लगनी चाहिए, उनको फिल्म में रोमांच आना चाहिए एंड वो मेरे लिए सबसे बड़ा बोझ है एट एनी स्टेज ऑफ माई करियर। आपके जो पोस्टर्स हैं इशिता हो जी, नवाजुद्दीन हो जी, इनके साथ काम करने का अनुभव कैसा? जी इशिता बहुत ही स्वीट लड़की है एंड उसके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, बहुत ही ओपन माइंडेड डिस्कशंस होते थे हमारे फिल्म के लिए, कैरेक्टर के लिए एंड हम लोग एक दूसरे को और पुश करते थे कि ये सीन बेटर हो सकता है, ये डायलॉग बेटर हो सकता है, या तुम ऐसा करो मैं ऐसा करती हूँ, या इट्स सब बहुत क्रिएटिवली काम हुआ उनके साथ। आयशा जी इसमें इशिता की माँ प्ले कर रही हैं एंड वो भी बहुत ही एक्सपीरियंस कलाकार हैं, उनके साथ काम करने में भी बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत ही स्वीट हम्बल लेडी हैं एंड बहुत अच्छा है इंडस्ट्री के लिए कि वो कम बैक कर रही हैं। जी कुछ आपके आर्मी कमांडिंग ऑफिसर के रोल में हैं? जी वो NSA प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एंड वो तो खैर मिथुन दा ही हैं, उनके बारे में क्या कहूँ, इतना अचीव किया उन्होंने लाइफ में, उनके साथ काम करना तो एक बहुत ही भाग्य की बात होती है एंड आई फील वेरी लकी टू हैव वर्क विद देम। सो व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द फिल्म? वेल द ओनली एक्सपेक्टेशन आई हैव फ्रॉम दिस फिल्म इज़ दैट आई नो द ऑडियंस विल इन्जॉय दिस फिल्म, ये फिल्म आपको बांध के रखेगी एंड इस फिल्म में आपको कुछ नया मिलेगा, हालांकि इसमें सब एस्पेक्ट्स हैं, एक्शन है, रोमांस है, ड्रामा है, थ्रिल भी है, पर सब हाई ऑक्टेन है, सब नया है, सब मॉडर्न है और आपको जैसा जो सिनेमा की जो एक टिकट की वैल्यू होती है वो आपको ज़रूर वापस मिलेगी। जी थैंक यू। मैं सुनील सिरवैया और ये हमारे साथी राइटर अमजद अली है ना, अमजद अली छत्तीसगढ़ से है ना, और अनिल जी की फिल्म हमने लिखी है और ये तो अनिल जी के साथ ही लिखी है और बहुत अच्छी फिल्म है और काफ़ी मेहनत की हम लोगों ने, ये फिल्म 24th को रिलीज हो रही है और फिल्म के बारे में तो आप सब जानते हैं कि रोमांटिक थ्रिलर है और उत्कर्ष की पहली फिल्म है और ये गदर में जिसने जीते का किरदार निभाया था ये सभी जानते हैं और इस फिल्म की खास बात ये इसके गाने अच्छे हैं और इस फिल्म की जो थीम लाइन है कि जीनियस होता क्या है, इस जीनियस वो होता है जो ज़िंदगी की लड़ाई कभी हारता नहीं है, हर परिस्थिति में उसका सामना करता है और आखिर में जीतता है, वो जीनियस है। लेखक के तौर पे आपकी पहली फिल्म है? जी जी लेखक के तौर पे ही हमारी पहली फिल्म है। ये आइडिया अनिल जी का था ठीक है और उन्हें यंग राइटर्स चाहिए थे क्योंकि बोले यंग यूथ की फिल्म है और अनिल जी ने हमें बुलाया, मुझे बुलाया, सुनील जी को बुलाया और फिर काफ़ी डिस्कस हुआ, उनके पास आइडिया था, उत्कर्ष ने भी काफ़ी इन्वॉल्वमेंट रही है उसकी भी इस फिल्म में और बस डिस्कस करते गए बनती गई फिल्म, तो ये ओरिजिनल आइडिया अनिल जी का। आपका कितना सहारा है इस फिल्म? सहारा तो अभी मैं बता ही नहीं सकता क्योंकि ये सब अनिल जी के साथ हमने लिखी है ये फिल्म और बस कोशिश ये की है कि इस फिल्म को ना हम वर्ल्ड क्लास स्क्रीन प्ले दे सकें, इसमें जो हम लोगों ने स्क्रीन प्ले कोशिश और जो इमोशन, देखो इमोशन तो वर्ल्ड में हर जगह सेम है, चाहे वो UK की फिल्म हो, चाहे US की फिल्म हो, चाहे वो इटालियन फिल्म हो या कोई सी भी फिल्म हो, इमोशन तो हर जगह सेम है, बस हमको स्क्रीन प्ले ऐसा बनाना पड़ता है जो वर्ल्ड क्लास का हो, जो उन सारे इमोशंस को टच करे। तो हमने इस मतलब ये जो सेट फॉर्मूला है उस फॉर्मूला से हट के हमने एक ऐसा स्क्रीन प्ले बिछाने की कोशिश की, एक ऐसा स्क्रीन प्ले ले किया है जो आपको वर्ल्ड क्लास फील देगा, इंडियन इमोशंस को समेटे हुए वर्ल्ड क्लास फील के साथ आप ये फिल्म देखेंगे जिसका नाम है जीनियस। और जीनियस का जैसे हमारे साथी राइटर अमजद अली ने बताया आपको कि जीनियस का मतलब क्या होता है, जीनियस सिर्फ वो नहीं होता जो 100 में से 100 मार्क्स लाता है, ठीक है, सिर्फ वो नहीं होता, वो भी होता है जो अपनी किसी भी प्रॉब्लम को
उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करता है, वो हार नहीं मानता, उसकी प्रोसेस में है वो, इट्स अ प्रोसेस। जीनियस होना एक प्रोसेस होता है, हाँ, तो जीनियस होना एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को देखते हुए उस प्रोसेस को आगे ले जाना और एंड रिजल्ट जो है जिसमें जीत निकले वो जीनियस होता है। तो यही हमने एक, जिससे कि हमने पूरे जोड़ने की कोशिश की है पूरे भारत को, कि जो भी आदमी, जो भी व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम को, अपने 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 किसी भी हालात को हार ना मानते हुए जीतने की कोशिश करता है वो जीनियस की ओर जाता है। और ये आप एक फिल्म देखेंगे जो कि एक बहुत ही नए कलेवर में, नए तेवर में और वर्ल्ड क्लास स्क्रीन प्ले के साथ, बहुत ही कैची पंची डायलॉग्स के साथ, नए नए ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ, एज अ राइटर हम यही कह सकते हैं, और उसमें अमेजिंग ग्रैंडियर है अनिल शर्मा जी का, और अमेजिंग सिनेमेटोग्राफी है नजीब खान साहब, डायलॉग्स हैं, परफॉर्मेंस नजीब खान साहब के। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि हमें अपने एक्टर्स को नहीं भूलना चाहिए, जैसे हमारे साथी राइटर अमजद अली ने बताया कि ये इस फिल्म में जीते हैं। अब वो जीते बचपन में इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा था, और उसके बाद में अमेरिका और US सेंसिबिलिटीज़ के साथ और इंडियन इमोशन जो कि भारत का इमोशन है, जो अनिल जी के यहाँ पूरा पाया जाता है, यहाँ पे इस पूरे माहौल में पूरा भारत बसता है एक्चुअली इस घर में अनिल जी के यहाँ पे, तो उस इमोशन के साथ पड़ा हुआ बच्चा है उत्कर्ष, जो पूरी तरह से इतना हार्डवर्क किया है, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना हार्डवर्क किया है उसने, हर एक एक चीज़ पे इन्वॉल्वमेंट, एक एक चीज़ पे मेहनत। और वो जो कैरेक्टर जो इस फिल्म में वासुदेव शास्त्री का कैरेक्टर है, उसके ऊपर उसने वासुदेव शास्त्री ही लगने लगा हमें उसने पिक्चर शुरू होने से पहले बता दिया था कि मैं हूँ वासुदेव शास्त्री। एक गाना मैंने लिखा है बैकग्राउंड में, जो कि मोंटी शर्मा जी, जो बैकग्राउंड हमारा बैकग्राउंड स्कोर कर रहे हैं मोंटी शर्मा जी, उन्होंने इस गाने को कंपोज किया है और बैकग्राउंड का गाना है, बैकग्राउंड में आएगा। और हेमंत ब्रजवासी, जिन्होंने अभी राइजिंग स्टार जीता है, हेमंत ब्रजवासी ब्रज के हैं, चूँकि मथुरा का जो हमारा बेस है, बैकड्रॉप है, वो मथुरा का है, क्योंकि हमारा हीरो मथुरा से है, और तो हमें एक ब्रज की आवाज़ चाहिए थी, और हेमंत ब्रजवासी से अच्छा कौन हो सकता था, बड़ी कमाल की आवाज़ है, बहुत अच्छा है। और अनिल जी ने उनको बुलाया और उनको एक मौका दिया। नवाजुद्दीन जैसे हाँ, क्या बात कर दी आपने, अरे नवाज भाई, इस नवाज भाई अल्टीमेट एक्टर, कमाल का एक्टर। मतलब हमने जो लाइंस लिखी, हमने जो स्क्रीन प्ले का सीन लिखा, जो एक्शन लिखा, एक्शन मतलब जो करते हैं, बोलना, हाथ करना, ये करना, जो एक्शन लगा लिखा या जो डायलॉग लिखा, उसको जो पूरी प्रकार से जो 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 जब कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट उसको करता है ना, तो उसमें ना वो लगा देता है, कुछ एक्स्ट्रा जोड़ देता है, और वही उसकी खूबसूरती होती है, एक्स फैक्टर होता है। तो वो जो नवाज़ भाई ने जो हर डायलॉग, हर एक्शन और हर ट्विस्ट एंड टर्न को जो परफॉर्म किया है ना, तभी मैं कहता हूँ कि ये वर्ल्ड क्लास एक्टर क्यों है। इसलिए एक्टर है क्योंकि इसके पास वो एक्स फैक्टर है। सलीम जावेद साहब तो मतलब क्या कहने उनके, वो तो हमारी प्रेरणा हमेशा से, इंडिया में सलीम जावेद के बाद जितने भी राइटर बने हैं वो उनकी सबकी प्रेरणा सलीम जावेद ही है, बिल्कुल है ना, क्योंकि उनसे बड़ा राइटर तो कोई अभी तक हुआ नहीं है। और उनको तो हम, वो तो हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है एक तरह से, हमने उनसे बहुत सीखा है, वो हमारे गुरु द्रोण हो गए, हम लोग एकलव्य हो गए एक्चुअली, बस अंगूठा नहीं दे सकते। जी आने वाली फिल्म जो अनिल जी की अगली फिल्म है कवच, ठीक है, अनिल जी के साथ ही हम कर रहे हैं, तो बस अनिल जी के साथ ही हम लगे हुए हैं, ठीक है, उसके स्टार कास्ट सनी देओल हैं, और अभी वो इनिशियली है, लेकिन बहुत इनिशियल टर्म्स में, इनिशियल टर्म्स में इज गोइंग टू डायरेक्ट, आपने सुना होगा कवच के बारे में, हमारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं एक्चुअली इस फिल्म के लिए, क्योंकि आफ्टर गदर और सिंह साहब द ग्रेट, पीपल वांट टू सी मोर ऑफ अनिल शर्मा जी एंड सनी देओल साहब। तो कवच की कहानी जो है हम लोग कर रहे हैं, अनिल जी ने हमें फिर से मौका दे दिया, बताओ हमको तो, हमने सोचा था कि चलो जीनियस के बाद में, लेकिन अनिल जी ने कहा कि नहीं तुम लोग ये कवच कर रहे हो मेरे साथ, ये मैं आपको बताऊं, फैमिली इमोशनल ड्रामा है, फैमिली ड्रामा,
और जॉनर जो हम बोलेंगे तो वो ड्रामा का जॉनर है, उसमें एक्शन थोड़ा बहुत तो होगा ही, सनी देओल वाले तो एक्शन तो होगा ही, डायलॉग्स बेहतरीन होंगे उसमें, ठीक है, इनिशियल लेवल पे और काम तो चल रहा है और एक अच्छी कहानी मिलेगी और सनी देओल आप एक नए अवतार में देखेंगे, एक नए रूप में देखेंगे। मैं कह रहा हूँ ना, देखिए अब आजकल का सिनेमा कैसा हो गया है, आजकल का सिनेमा अब किसी क्षेत्र में सिमटा हुआ नहीं, बिल्कुल अब ये वर्ल्ड क्लास हो गया है। तो आपको जो चीज़ें आप देखो, हॉलीवुड की मिशन इम्पॉसिबल यहाँ पे चलती है, एवेंजर्स यहाँ पे चलती है, यहाँ पे आपकी टर्मिनेटर्स चलती हैं, आपकी ट्रांसपोर्टर्स चलती है, आपका टाइटेनिक चलता है यहाँ पे, जब उनका टाइटेनिक यहाँ पे चलता है तो हमारा कवच वहाँ पे क्यों नहीं चल सकती, हमारी जीनियस वहाँ पे क्यों नहीं चल सकती, क्या हमारे अंदर इतना दम नहीं, हमारे अंदर है दम। यस, हाँ देखो चाइना में धूम मचा रही ना दंगल, मचा रही ना बाहुबली, धूम मचाई रही ना, बिल्कुल। तो अब जीनियस और कवच, क्योंकि अब हमने ये सोच लिया है कि हमारे लिए सिर्फ इंडिया बाउंड्री नहीं है, अब हमारे लिए पूरा वर्ल्ड बाउंड्री है। सो थैंक यू, थैंक यू। कौन सी फिल्म है मेरा बेस्ट वर्क? मेरी पहली फिल्म थी मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है। फिर मैंने एक फिल्म की थी नाच, वो बहुत अप्रिशिएटेड फिल्म थी। उसके बाद प्रेम रतन धन पायो, वो मेरी फेवरेट फिल्मों में से है। फिर उसके बाद काफ़ी फिल्में आई अक्सर, उसके बाद ट्यूबलाइट सलमान खान के साथ, जय हो उनके साथ, काफ़ी वो फिल्म भी मेरी बहुत अच्छी थी। और अब मेरी फेवरेट फिल्म है जीनियस। जीनियस के सी सबसे पहले आई वुड लाइक टू मेंशन के अनिल जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी जब मैं असिस्टेंट थी, हीरो मैं गणेश मास्टर जी की असिस्टेंट थी। और जब मैंने अनिल जी के साथ उस फिल्म पे काम किया तो मुझे उस वक्त से शौक था कि जब मैं कोरियोग्राफर बनूं तो अनिल जी के साथ काम करने का मौका मिले। और जीनियस में जब सर ने मुझे बुलाया तो सबसे पहला मेरा जो एम था ये था कि सर को मैं प्रूव करूं अपने आप को, क्योंकि सर जो है वो बेस्ट स्टोरी टेलिंग डायरेक्टर है, ही इज़ माय फेवरेट डायरेक्टर। मैं उन्हें पहले से ही जीनियस डायरेक्टर बुलाती हूं, बिकॉज जिस तरह की स्टोरी टेलिंग इमोशंस को सर लेकर आते हैं वो अमेजिंग है। तो ये भी रीज़न था मैं उनके साथ काम करना चाहती थी, क्योंकि मैं भी स्टोरी टेलिंग को पकड़ के काम करने में बिलीव करती हूं। तो मेरे लिए ये था कि मैं सर के साथ काम करूं तो उनको अपना बेस्ट करके दूं। तो सर ने मुझे दो गाने सुनाया, कहे कि ये गाने स्टोरी से पूरे कनेक्टेड हैं। तो आई वॉज़ वेरी थ्रिल्ड एंड वेरी एक्साइटेड टू डू द सॉन्ग्स। उसके बाद जब उत्कर्ष के साथ, उत्कर्ष से मिली और जब रिहर्सल शुरू हुए, आई वॉज़ अमेज्ड बाई हिज परफॉर्मेंस, बिकॉज उत्कर्ष इज़ अ वेरी गुड एक्टर। वो डांसर अच्छा होने के साथ साथ एक बहुत अच्छा परफॉर्मर है, जो मेरे गानों में मुझे बहुत हेल्प कर गया, क्योंकि गानों में उनकी परफॉर्मेंस इन द टर्म्स ऑफ एक्टर एज एन एक्टर भी बहुत ज़रूरी थी, और उनकी परफॉर्मेंस एज अ डांसर ऑल्सो मुझे एबिलिटी भी उनकी दिखानी थी, और दोनों चीज़ों में उत्कर्ष बस कमाल। तो मेरा काम बहुत आसान हो गया। जी नहीं, होली का गाना रेखा चन्नी प्रकाश जी ने किया है और जो मेरे फेवरेट है, और गाना बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, मेरे गाने अब आएंगे आगे। तुझसे कहाँ जुदा हूँ मैं, ये मेरा एक गाना है, और एक दिल मेरी ना सुने, वो दो गाने हैं। एक गाना शायद रिलीज़ हो चुका है और एक होना बाकी है अभी। इशिता इज़ वेरी क्यूट, जितनी वो अपनी उम्र और लुक के जैसी क्यूट है वैसी ही वो फिल्म में भी लग रही है, और मैंने गानों में भी उनकी वो क्यूट चुलबुली हरकतें जो है उसको निकालने की कोशिश की। तो जीनियस एक्टर, वेरी गुड परफॉर्मर उत्कर्ष, एंड अ क्यूट वेरी फेरी लुकिंग गुड लुकिंग प्रिंसेस लुकिंग गर्ल, दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, और यही कॉम्बिनेशन मैंने अपने गानों में उभार के दिखाने की कोशिश की। मिथुन जी से इंटरेक्शन हुआ मेरा गाने के दौरान, जब सीन और गाना साथ में चल रहा था, एंड ही ऑल्सो वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर द फिल्म। आयशा जुल्का जी के साथ मेरे गानों में, मेरे सीन के साथ जो गाने चल रहे हैं उसमें आयशा जुल्का जी है, उनका कमबैक है, शी इज़ लाइक वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो लाइक अ वेरी गुड परफॉर्मर, एंड तो वो भी बड़ी एक उनकी फैंस के लिए भी एक अच्छी चीज़ होंगी जब वो फिल्म में देखेंगे उन्हें वापस। तो शी लुक्स लाइक मदर डॉटर दोनों लगते हैं इशिता और वो, और मिथुन दा इज़ ऑल्सो ऑन अ वेरी पावरफुल रोल, नवाजुद्दीन इज़ ऑन वेरी पावरफुल रोल। तो जब इतने बड़े पावरफुल एक्टर्स सामने होते हैं और न्यू कमर लाइक उत्कर्ष,
के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, बट उत्कर्ष उनके साथ के सीन में भी उतने ही कॉन्फिडेंट हैं और उतने ही डेडिकेशन के साथ उत्कर्ष ने काम किया। आपके कंटेंपरेरीज में किसको आप मानती हैं आज के दिन? लाइक यू मीन कोरियोग्राफर्स? मेरी ऑल टाइम फेवरेट सरोज जी है, सरोज खान, फारा खान, वैभवी मर्चेंट। ना इसलिए नहीं कि वो फीमेल्स है, इसलिए कि फीमेल्स होने के बावजूद तीनों ने अपने नाम को कोरियोग्राफी के इस पेशे को बहुत इज्जत दी और आज वो सारे मेल्स के सामने खड़े होकर बराबरी में काम कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे, और उनका काम भी बहुत अच्छा है, तो मैं इन तीनों को अपना आदर्श मानती हूँ। मुझे रणवीर सिंह बहुत पसंद है, रणवीर कपूर बहुत पसंद है, वरुण इज़ वेरी चैलेंजिंग, वेरी गुड, टाइगर टेक्निकली बहुत परफेक्ट है बट ही कैन बी अ वेरी गुड डांसर, लाइक ही इज़ अ वेरी गुड डांसर, बट जो लचक वाला डांस होता है उसमें मैं टाइगर को देखना चाहती हूँ वापस से। और न्यू कमर्स में आई थिंक उत्कर्ष विल कम अप एज ए, नॉट बिकॉज मैंने उनके गाने किए, बिकॉज मुझे पता है कि न्यू कमर्स में उत्कर्ष आएगा अपनी वो अंदाज़ को लेकर, जो अपना एक अंदाज़ क्रिएट करेगा। नहीं, हाँ मराठी फिल्म की है सर्वमंगल सावधान, वो मेरे छोटे भाई ने डायरेक्ट की है और मैंने कोरियोग्राफी की है और उसमें मेरा दूसरा छोटा भाई एज ए विलन आया है, मेन विलन, और फिल्म पर अभी भी काम चल रहा है, अभी शायद एक दो महीने और लगेंगे, दो गाने शूट होंगे और हम फिल्म लेकर आएंगे। और आप आगे चलकर डायरेक्टर बनना चाहिए? डायरेक्टर तो मुझे पता नहीं, मैं अच्छे से गाने कर लूँ, मेरे जो स्टोरी को समझने की जो एबिलिटी है उसको मैं अपने गानों में पहले ले आऊँ, पहले अच्छी कोरियोग्राफर बन के साबित हो जाऊँ, उसके बीच में मैं फिल्में प्रोड्यूस करना चाहूँगी, लाइक आई विल कम अप विथ सम प्रोडक्शन, जैसे मैं अभी वीडियोस प्रोड्यूस कर रही हूँ, मराठी फिल्म कर ली, हम एक बंगाली फिल्म भी करने वाले हैं, तो स्लोली स्लोली वी विल गेट इनटू प्रोडक्शन एंड देन डायरेक्शन का मुझे अब तक पता नहीं है, बट मैं एक अच्छी कोरियोग्राफर बन जाऊँ वही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू। आपने तभी तय किया था इनको? नहीं ऐसा, ये तो सब ईश्वर तय करता है, वो तो गदर में बच्चे को लेना उस वक्त मेरी मजबूरी थी, कोई बच्चा मिल नहीं रहा था, तो सब लोग शूटिंग पे जा रहे थे हम लोग, तो जी वालों ने बोला, फिर अमीशा पटेल ने बोला और भी बहुत सारे लोगों ने बोला कि वाई नॉट उत्कर्ष। मैंने कहा 5 साल का इतना छोटा है, इसको कब, इसने कभी सोचे नहीं एक्टर बनना है, ये कैसे करेगा। बस फिर वो फैमिली में डिसीज़न हुआ और वाइफ से भी बात की मैंने और बच्चे से भी बात की, बच्चा तो भाग रहा था, उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, घबरा रहा था, फिर उसको लगा, बेटे को लगा कि नहीं आज पापा की आवश्यकता है तो आई शुड हेल्प हिम, तो वो उसने रेडी हो गया। वो तो उन्होंने लॉन्च होने के पहले काफ़ी तैयारी की, मतलब जी 4 साल US गया वो और वहाँ फिल्म डिग्री का पूरा कोर्स किया, अंडर ग्रेड किया, 12th के बाद गया और बाकायदा, क्योंकि अब इस लाइन में प्रोफेशनली आना है तो वाई नॉट प्रिपेयर योर सेल्फ प्रोफेशनली, तो पूरा जद्दोजहद की उसने इस फिल्म को पाने के लिए भी, उसको मालूम था कि पापा उसको तभी फिल्म देंगे जब वो बहुत प्रिपेयर होगा, और बल्कि अमेरिका से वापस आने के बाद तो उसने मुझसे बोला कि भाई मैं पापा बाहर काम करना चाहता हूँ, बाहर मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ। मैंने कहा भाई ऐसा है, मैं ये फिल्म बना रहा हूँ जीनियस, मुझे बाहर वाला ही समझ ले, चल काम कर ले। तो जीनियस एक तरह की रोमांटिक थ्रिलर सस्पेंस फिल्म? हाँ, एक्शन रोमांटिक फिल्म है। हाँ, एक्शन और कितना रोमांस? बस 80% 70-80% रोमांस है, बाकी एक्शन है। तो एज अ फर्स्ट टाइम स्टारर उत्कर्ष कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा, ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर। अब एज ए पिता बोलूँ या एज ए डायरेक्टर बोलूँ, एज ए पिता अपने बेटे की तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, एज ए डायरेक्टर मेरे किसी भी कलाकार को, जो भी कलाकार है उसको अपने डायरेक्टर से अच्छा या बुरा सुनने का अधिकार है, तो एज ए डायरेक्टर अगर मैं बोलूं तो ही इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, और एज ए पिता बोलूं तो भाई अभी तो उसकी ज़िंदगी की शुरुआत है, बहुत कुछ आगे करना है। इशिता चौहान का चयन कैसे किया? इशिता चौहान बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लड़की है, और बस मैं बहुत लड़कियां ढूंढ रहा था 1.25 साल तक, मैंने वेबसाइट भी खोली, बहुत सारी चीज़ें की लड़की सर्च करने के लिए, लेकिन लड़कियां तो बहुत मिल रही थी, बेचारी बड़ी अच्छी अच्छी पारिवारिक लड़कियां थी, सब आ रही थी जा रही थी, फिल्म मॉडल्स ये वो सब थे, सारी एजेंसियां लगी हुई थी, लेकिन मुझे वो जो लड़की, एक इनोसेंसी एक लड़की चाहिए थी, समाव मेरे दिमाग को सूट नहीं हो रही थी, 1.25 साल लगा, देन आई फाउंड दिस गर्ल, दिस इज़ शी इज़ फ्रॉम पूना,
अब बहुत ही अच्छी फैमिली है, उनके माँ बहुत अच्छी हैं और परिवार की तरह हैं ये लोग, और बस हो गया, उसके भाग में था आ गई। नवाजुद्दीन का नवाजुद्दीन साहब क्या कहानी, एक जीनियस, एक सुपर जीनियस की, एक जीनियस वासुदेव शास्त्री, एक सुपर जीनियस MRS, तो उसकी कहानी है। तो सुपर जीनियस के लिए मुझे लगा कि नवाजुद्दीन बहुत अच्छे रहेंगे और उनको कहानी सुनाई, उन्होंने कहानी अप्रूव कर दी और उत्कर्ष के संग काम करना उनको लगा, उत्कर्ष से बात करके उनको लगा कि इसके साथ काम करने में मज़ा आएगा, एंड ही सेड यस एंड कहानी पिक्चर शुरू हो गई। आपकी फिल्मों में म्यूजिक काफ़ी जोरदार। जी कोशिश करता हूँ। तो इस फिल्म के बारे बहुत अच्छा, हिमेश रेशमिया ने कमाल का गाना गाया है, कमाल का म्यूज़िक दिया है, दिस अरिजीत, आतिफ, जुबिन नौटियाल, नेगी, सब लोगों ने गाने गाए हैं और बहुत ही अच्छा है सब कुछ। लोकेशन 4 महीने में हमने 14 लोकेशनों में शूटिंग शिफ्ट की, 14 शहरों में, इट वाज मतलब बहुत ही मज़ेदार रहा, और 4 महीने में 14 शहर शिफ्ट करना आसान काम नहीं था, बट वी रियली एन्जॉय इट। आज यहाँ से वहाँ जाते थे, यहाँ से गाड़ी में बैठ के वहाँ जाते थे, वहाँ से प्लेन में बैठ के वहाँ जाते थे, और बहुत ही एक सपने की तरह है वो 4 महीने, अक्टूबर टू फरवरी। बस देखिए, अपेक्षा तो पूरी है, पूरी मेहनत पूरी हिम्मत के साथ पिक्चर बनाई है, और बेटे की पहली फिल्म है तो हर किसी को लगता है कि पिता ने पुत्र के लिए फिल्म बनाई है तो पूरी मेहनत की होगी। मैं तो हर फिल्म में ही मेहनत करता हूँ, पिता के ने पुत्र के लिए बनाई इसलिए मेहनत नहीं की, हर फिल्म में मैं मेहनत ही करता हूँ, क्योंकि मैं अल्टीमेटली फिल्म ना किसी पुत्र के लिए बनाता ना किसी कलाकार के लिए, अल्टीमेटली फिल्म मैं पब्लिक के लिए बनाता हूँ, तो जब पब्लिक के लिए फिल्म बनाता हूँ तो मुझे पास अच्छी बनाने के सिवाय कोई चारा नहीं है, तो आई ट्राइड माई बेस्ट एंड बाकी तो ये बैठे हैं सामने ये जाने। आपके फिल्म में हमेशा राइटर का रोल अच्छा रहता है जी, डायलॉग्स में। हाँ, राइटिंग मेरे साथ जो भी राइटर होते हैं वो अच्छे होते हैं, मेहनत करते हैं। यहाँ भी मेरे साथ सुनील सरवैया और अमजद खान ने, दोनों ने बहुत मेहनत की, अमजद अली और सुनील सरवैया ने, दोनों नए बच्चे हैं, बहुत बढ़िया काम किया है। बस आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में एक ही है, जीनियस जीनियस जीनियस। बात करने के लिए धन्यवाद।